आप सभी का स्वागत है इंग्लिश अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम लोग जो भी लास्ट हफ्ते जो भी पढ़ेंगे आपसे उसको हम लोग संडे संडे रिवाइज कर लेंगे। इससे होगा ये कि डेली चल रहा है, डेली क्वेश्चन आता है सामने, वीकली सामने आएगा प्लस मंथली आएगा, तो हमारा रिविजन इतना पक्का हो जाएगा कि सवाल ही नहीं फिर कि एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो 100% रिविजन, इतना परफेक्ट रिविजन दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, आपको फिर कोई दूसरा सोर्स बिल्कुल कुछ उठाने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स बनाने की इसकी जरूरत नहीं एमपी करंट अफेयर्स की। तो बस अब हम लोग ये रिवीजन वाला वीकली रिवीजन भी शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आज से 11 से 17 अप्रैल जो हमने पिछले हफ्ते जो भी चीजें पढ़ी उसको रिवाइज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब से हमारे पास करंट अफेयर्स के तीन सोर्स हैं जो आप बच्चे देख सकते हैं। एक तो टेलीग्राम ग्रुप में रोज पीडीएफ अपलोड होती है और वहां से जो उसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जुड़ के आप एक्सेस कर सकते हैं करंट अफेयर। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज इंग्लिश अधिकारी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ के करंट अफेयर एक्सेस कर सकते हो एमपी के। और इसके अलावा आपसे हम लोग ऐप में भी डेली वीकली और मंथली अपलोड कर रहे हैं, वहां से भी आप जुड़ के कर सकते हैं सारे करंट अफेयर्स को एक्सेस। चले तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी नए बच्चे भाई, तो आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मेन चीज पर आते हैं। सबसे पहले 11 अप्रैल के हमने क्वेश्चन क्या देखे, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन द एंटायर कंट्री इन द ब्रुसेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन अंडर द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया था, ये मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी एक बार डाल दिया था कि ब्रुसेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है। मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट रैंक है और ये एक रिप्रोडक्टिव डिसीज है जो एनिमल्स में होता है और ये इंसानों में भी फैलता है जो इंसान ऐसे एनिमल्स से इंफेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं। और इसलिए ब्रुसेला वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया गया जिसमें मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा टीका यानी वैक्सीन लगा के फर्स्ट रैंक हासिल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू प्रिपेयर इट्स एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ यूएन हैबिटेट। तो सबसे पहली सिटी कौन सी बन गई है जिसने जो यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, कितने हैं सब 17, ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया और 2030 में इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है। तो 15 में अडॉप्ट किया और 2030 तक अचीव करना है। अब कौन सी ऐसी सिटी है जिसने इस गोल्स को एक्सेस करने के लिए, हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया, एक्शन प्लान बनाया, तो भोपाल इसका सही जवाब है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेयर फ्रॉम देवास हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप हेल्ड इन बहरेन रिसेंटली। तो हमने देखा था कि जो रोहिणी कलम है उनने इस एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये एक जापानीज मार्शल आर्ट्स डिफेंस स्पोर्ट होता है, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों को भी सिखाया जा रहा है स्कूल के, है ना, खासतौर पे वुमेन रिलेटेड सेफ्टी इश्यूज को देखते हुए। रिसेंटली व्हेन वाज द कुमार गांधर्व सम्मान एंड संगीत समारोह हेल्ड। तो कुमार गांधर्व सम्मान जो संगीत समारोह हुआ था ये देवास में आयोजित हुआ था 8-9 अप्रैल, है ना, 8-9 अप्रैल को आयोजित हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड बोलते हैं, किनको, तो पंडित जो कुमार गांधर्व साहब है उनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिसेंटली सीएम शिवराज सिंह चौहान हैज अनाउंस टू बिल्ड अ डैम ऑन विच रिवर इन मजगांव ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में डाल दिया था, वहां पर भी आपने इसको देखा होगा। तो मंदाकिनी रिवर की खराब स्थिति को देखते हुए अब एक डैम बनाएंगे सतना के मजगवान में, ताकि वहां से पानी डाइवर्ट करके मंदाकिनी में लाया जाए, जिससे मंदाकिनी का पूरे साल भर फ्लो बना रहे। तो ये कहां पर बन रहा है डैम, तो ये मंदाकिनी रिवर पर ही डैम बन रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने स्टैटिक भी डाल दिया था जब, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। इन विच बैटल अकबर फोर्सेस डिफीटेड मालवा रूलर बास बहादुर एंड कॉन्कर्ड मालवा सल्तनत। तो हमने देखा था कि जो अकबर का जो कमांडर था उसका कजन ब्रदर भी था आदम खान, तो उसने बैटल ऑफ सारंगपुर में मालवा के रूलर बास बहादुर को हरा दिया था। तो बैटल ऑफ सारंगपुर राजगढ़ में है और ये बैटल 1561 में लड़ा गया। इसमें अकबर की फोर्सेस की जीत हुई, यानी आदम खान की जीत हुई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चल अब हम लोग आ गए हैं 12 अप्रैल के सभी क्वेश्चंस पर, देखते हैं 12 अप्रैल। चलो 12 अप्रैल का पहला क्वेश्चन क्या देखा था, दी मूवी लड्डू टू बी स्क्रीन एट दी अमेरिकन हाई स्कूल फेस्टिवल इज मेड ऑन दी लाइफ ऑफ स्ट्रीट डॉग्स ऑफ विच सिटी। तो मैंने आपको बताया था कि इंदौर में मिशन डॉगिटाइजेशन जो कि वंदना जैन जी के द्वारा शुरू किया गया, ताकि जो डॉग्स हैं उनका कैसा जीवन रहता है उसके लिए अवेयरनेस लोगों में फैलाए, और ये कैंपेन शुरू किया गया। अब एक यूएस में बैठे हुए व्यक्ति सभ्य सानू ने ये मिशन डॉगिटाइजेशन पढ़ा, इंडिया आए, फिल्म बनाई लड्डू, और यही फिल्म अब अमेरिकन हाई स्कूल फेस्टिवल में जाएगी। तो इंदौर सिटी के ये डॉग्स,
है ना, तो ये भी हमने देख लिया था। रिसेंटली हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ एमपी हैव बीन प्रपोज्ड टू बी मेड टाइगर रिजर्व्स, तो तीन मध्य प्रदेश की ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनको टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। एक है रानी दुर्गावती सेंचुरी जो कि दमोह में है, एक है नौरादेही सेंचुरी जो कि दमोह सागर नरसिंहपुर में है, और एक है रातापानी सेंचुरी जो कि रायसेन सीहोर में है। तो ये अच्छे से याद हो गई आपको, तो मैंने बता भी दिया था भाई नौरादेही सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको याद कैसे करेंगे, नौरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो नौरा फतेही बड़ी फेमस है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब नौरा से हो गया नौरादेही, नेशनल से हो गया नरसिंहपुर, स्कूल से हो गया सागर, और ड्रामा से हो गया दमोह, सही बात है। बाकी रातापानी आपका सीहोर और रायसेन। चल तो ये भी हमने कर लिया था, तीन ऐसी सेंचुरीज हैं। चले कौन से व्यक्ति का नेम जो मध्य प्रदेश से है, इनका नेम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है, तो आदित्य देवड़ा साहब का नाम आया है। इन्होंने 28 कैचियों से एक साथ 28 कैची पकड़कर बाल काटने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। लता मंगेशकर सम्मान इज बीइंग गिवन बाय एमपी गवर्नमेंट सिंस, तो लता मंगेशकर सम्मान 1984 से दिया जा रहा है, और हमने देखा था ये प्लेबैक सिंगिंग लाइट म्यूजिक के लिए दिया जाता है। सबसे पहला 1984 में नौशाद साहब को दिया गया, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद, और सबसे रिसेंट 2020 में आनंद मिलिंद साहब को दिया गया। 2,00,000 रुपए की इसमें इनामी राशि दी जाती है। अप्रैल 13 के करंट अफेयर्स देखेंगे, अप्रैल 13 के करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तब हमने देखा था, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद मालवा संगीत सम्मान इन दी मालवा समारोह, तो मैंने बताया था मालवा समारोह आयोजित हुआ उज्जैन में, और किसको मिला है अवार्ड, तो हमने बोला तो मनहर उदास साहब हैं, पंकज उदास के बड़े भाई मनहर उदास, तो मनहर उदास साहब को यह समारोह में सम्मान मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट सीएम शिवराज सिंह, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं भाई, देखो थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, लेकिन पूरी डिटेलिंग तो अवेलेबल डेली वाले में ही होगी, है ना, क्योंकि हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। अब हम लोग पूरा यहाँ पे रिवाइज करेंगे पूरा डिटेलिंग के साथ, तो ये वीडियो अपने आप में सोचो 7 दिन की वीडियो है, आधे आधे घंटे की रोड डाल दो तो कितनी बड़ी वीडियो यहीं बन जाएगी, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। डिटेल्ड एनालिसिस तो आपको डेली में मिलेगा, यहाँ पर हम लोग रिविजन कर रहे हैं। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान लॉन्च दी कुआं ताल मेला, तो कुआं ताल मेला पन्ना में, हमने बोला था माँ कंकाली देवी का मंदिर, वहीं पर कुआं ताल मेला पन्ना में ये आयोजित हुआ, है ना, हमने देखा था पन्ना पहुंचे सीएम शिवराज। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेक कैंपेन कहां से शुरू किया गया, तो जल अभिषेक कैंपेन रायसेन डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था, और मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत नए पॉन्ड्स भी बनवाएंगे और जो पुराने वाले हैं उनको रिपेयर भी करवाएंगे, तो याद करो ये पूरी चीज मैंने आपको बताई थी, जल अभिषेक अभियान रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो पॉन्ड यानी इसको नाम दिया गया था अमृत सरोवर, आपको याद होगा, तो 5,000 अमृत सरोवर नए बनवाएंगे और 10,000 पुराने वाले रिपेयर करवाएंगे, ओल्ड पॉन्ड्स को रिपेयर करवाएंगे, है ना, तो यही है जल अभिषेक अभियान। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल इनॉग्रेटेड दी संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022, तो ये जो सक्षम है ये असल में क्या है, ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो भोपाल से लॉन्च किया गया मंगूभाई पटेल जी के द्वारा, क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। जल अभिषेक क्या था, वाटर कंजर्वेशन, सक्षम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी थी, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था हु हैज हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर अमंग द गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो स्टैटिक क्वेश्चन भी बीच में आते हैं, तो हमने बोला लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन से गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश का है, तो हमने इनका नाम लिया था हरि विनायक पटस्कर। हरि विनायक पटस्कर साहब का लॉन्गेस्ट है, जबकि पत्तावी सीतारमैया ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी है और इनका टेन्योर शॉर्टेस्ट है, इनका टेन्योर शॉर्टेस्ट है पत्तावी सीतारमैया का। चल तो ये है हरि विनायक पटस्कर, इनके बारे में भी देखा था। चलो अप्रैल 14 के करंट अफेयर्स देखते हैं, तो सबसे पहले हमने अप्रैल 14 में क्या देखा था, रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल ने किस पॉलिटिशियन को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया, तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया शिवराज सिंह चौहान को। इनके अलावा और भी पॉलिटिशियंस थे, लेकिन जो मेन पॉलिटिशियन थे वो यही है, क्वेश्चन आने की संभावना इन पर सबसे ज्यादा है शिवराज सिंह चौहान पर। साथ साथ ओवरऑल कितने लोगों को दिया ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 25 लोगों को दिया जिनमें से एक शिवराज सिंह चौहान है, और बाकी जो है उनमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ तो हमने बोला था कि उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग उनका नाम भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने बोला था सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा यूपी के गवर्नर फॉर्मर गवर्नर अजीज कुरेशी साहब, इनको भी मिला है ये चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। ये क्यों दिया जाता है, तो मैंने बताया था सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट या गांधीयन प्रिंसिपल्स पर चलने वाले व्यक्ति को। पांडवनी गायक याद है, तीजन बाई छत्तीसगढ़ की है, पीयूष मिश्रा आरंभ है प्रचंड, दिलीप सूर्यवंशी दिलीप बिल्डकॉन के हेड, मेघा परमार तो फर्स्ट वुमेन फ्रॉम एमपी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और इन्होंने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में 45 मीटर तक का
डाइविंग भी किया था। मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर, तो ये इंदौर की मेयर हैं और इंदौर को स्वच्छ बनाने में लगातार 5 साल से स्वच्छ बनाने में इनका भी बहुत मेजर योगदान। सैयद जफर इस्लाम राज्यसभा एमपी, दिव्यंका त्रिपाठी को आप जानते होंगे है ना, तो ये है मोहब्बतें सीरियल में आती थी। नेक्स्ट डॉक्टर रेणु शर्मा, तो कोविड वॉरियर है, कोविड के दौरान एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्कॉच सिल्वर अवार्ड किस कंपनी को मध्य प्रदेश की मिला है, तो दो को मिला है, होश में रहना। देखो ये दो बार क्वेश्चन आपका इस हफ्ते आया था, तो एक तो मिला है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, वो भी वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को स्मार्ट मीटर बनाने के लिए दिया गया था अवार्ड। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो मध्य प्रदेश की माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन है उसको भी दिया गया हर्बल प्रोडक्ट्स को पब्लिक कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो वो भी आगे चल के क्वेश्चन आएगा। अभी इसका सही जवाब है वेस्ट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तियोथर माइक्रो इरिगेशन स्कीम अप्रूव की गई है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ सर अप्रूव की गई है, तो ये कहां पर, तो ये रीवा में अप्रूव की गई है ना, तो रीवा में ये अप्रूव की गई है मैंने बताया था। इसके अलावा पांगरी इरिगेशन स्कीम बुरहानपुर में अप्रूव की गई, और माड़ा मैंने बताया था माड़ा केव सिंगरौली में है, तो माड़ा इरिगेशन स्कीम सिंगरौली में अप्रूव की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ऐसी मध्य प्रदेश की जिसको डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है, तो टीकमगढ़ को शामिल किया है, और अब टीकमगढ़ में भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है डायमंड्स का, अब भविष्य में एक्सट्रैक्शन यहां से किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एक स्टैटिक क्वेश्चन था, वेयर इज द फेमस जहांगीर महल सिचुएटेड, तो जहांगीर महल वीर सिंह देओ ने बनवाया अपने फ्रेंड जहांगीर के ओरछा में पहली बार विजिट के लिए, तो सम्मान के रूप में जहांगीर क्योंकि पहली बार ओरछा है तब इनने बनवाया था, वीर सिंह देओ ने कहां पर, ओरछा में ये मौजूद है। चलो 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे, 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स को तेजी से रिवाइज करेंगे। हु वन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन इवेंट हॉर्स राइडिंग इवेंट हेल्ड इन स्पेन रिसेंटली, तो दीप्ति हजेला, ये एशियन गेम्स जो चाइना में सितंबर में होंगे उनके लिए भी इक्वेस्ट्रियन यानी हॉर्स राइडिंग में क्वालिफाई कर चुकी हैं, और अभी अभी इन्होंने स्पेन में भी जीता है सिल्वर मेडल, तो ये भी हमने देख लिया था सुदीप्ति हजेला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कॉच अवार्ड, अब देखो स्कॉच अवार्ड अभी अभी किसको मिला, वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और किसको मिला है, तो मैंने पहले बता दिया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन भोपाल को ये मिला है। नेक्स्ट बात करते इनको क्यों मिला, हर्बल प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए है ना, उससे सेल्स बड़ी बढ़ गई हैं हर्बल प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ एमपी विल बी ऑनर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी विद दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड, तो मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को यानी जिस दिन पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन जम्मू कश्मीर से देश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनको अवार्ड करेंगे। और हमने बोला था कि भोपाल और नरसिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है इनको 50 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा, इनने बहुत अच्छा काम किया। मैंने बताया था भोपाल ने क्लीनलीनेस में, वैक्सीनेशन में, दीदी कैफे प्लस मां की बगिया प्रोजेक्ट याद है आपको, जहां मैंने बताया था मिड डे मील जो स्कूल्स हैं वहीं पर अब बाग, वहीं के जो बाग होंगे वहीं से सब्जियां उगाएंगे है ना, वहीं पे सब्जियां उगाएंगे और बच्चों को दी जाएंगी, तो इसके बारे में भी मैंने पूरा जिक्र किया था। चलो, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किस पर्सनैलिटी को दिया, तो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको दिया गया है, टीकम जोशी साहब को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया है ना, तो ये हमने अच्छे से देख लिया था। इसके अलावा अर्जुन सिंह ध्रुवे साहब को भी दिया गया था, याद होगा मैंने डेली क्लास में बताया था अर्जुन सिंह ध्रुवे और टीकम जोशी दोनों को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, किस व्यक्ति को कोऑपरेटिव मैन सहकारिता पुरुष कहते हैं, तो दामोदर दास पुरोहित साहब को कहते हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 16 यानी लास्ट जो भी हमने डे किया अप्रैल 16, तो उसकी बात करते हैं। अंडर द न्यू रूरल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑफ एमपी फ्रॉम वेयर द रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल इज टू बी लॉन्च, तो मैंने बताया था रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत मेजर समस्या नहीं होती है, गाड़ियां बहुत कम होती हैं, लोग लटक लटक के ज्यादा फेयर दे के सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज करके बिल्कुल नॉन कन्वीनियंट तरीके से बेचारे जाते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अब एक नया रूरल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में मॉडल आया है आरटीसी रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट। इसमें व्हीकल ऑपरेटर्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे कि भैया आप जाओ, आपसे हम टैक्स भी नहीं लेंगे, आप वहां पर उस रूट पर गाड़ियां चलाओ है ना, उल्टा हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे अगर आपने 6 महीने आने वाले अच्छा वहां पर काम किया, तो हम आपको जो भी आप क्रेडिट अर्न करोगे ट्रांसपोर्ट में, तो वो क्रेडिट फिर हम आपको उतना जितना आपने क्रेडिट कमाया होगा हम उतना आपको पैसा रीएम्बर्स करेंगे, मतलब क्रेडिट मतलब आप जितना ज्यादा चलाओगे उस रूट पे हम आपको उस चलाने के लिए इंसेंटिव देंगे, तो आप कस्टमर से तो पैसा लो है ना, हम आपसे व्हीकल का टैक्स भी नहीं लेंगे प्लस ऊपर से हम भी आपको देंगे, तो इतना सब क्यों दिया जा रहा है, ताकि इस रूट पर इन रूट्स पर जो कि अभी तक अनटच्ड हैं यहां पर भी लोग इंसेंटिवाइज हो व्हीकल ऑपरेटर गाड़ी चलाने के लिए, तो उनको प्रॉफिट दिखाना लालच दिखाना पड़ेगा तभी तो जाएंगे वो। चलो भाई
ये बोल दिया हमने। हॉर्स शो कंपटीशन जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था मध्य प्रदेश की क्या रैंक आई, तो फर्स्ट रैंक आई और आर्मी को आपने बीट कर दिया सेकंड रैंक पर, आर्मी जी बताओ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की जिसको एट्थ रैंक मिली है, तो यहां पे कर दूं, कौन सी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की जिसको एट्थ रैंक मिली थी यूजीसी के द्वारा जो अभी ग्रेडिंग इशू की गई थी, तो जो यूजीसी के द्वारा जो ग्रेडिंग इशू की गई थी उसमें देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को एट्थ रैंक मिली थी। इसके अलावा रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जो जबलपुर में है वो भी टॉप 66 में आई थी। तो 66 यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग थी जिसमें आपको मालूम है कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी और डीएवीवी ये दोनों मध्य प्रदेश की एक यही दोनों बस यूनिवर्सिटीज थी, इनके अलावा कोई मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं आ पाई। फिर बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग बोर्ड, ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। नेचुरल फार्मिंग बोर्ड का काम है कि फार्मर्स को एनकरेज करें कि नेचुरल फार्मिंग अपनाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें, तो यही है नेचुरल फार्मिंग बोर्ड। नेक्स्ट हमने देखा था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की फेमस है किस फेयर के लिए, तो हमने बोला था जो गोटमार मेला है, जो गोटमार मेला है जो कि जाम रिवर पर आयोजित होता है गोटमार मेला, है ना, तो यहाँ पर दो गांव सावर और पांडुरना के बीच में कंपटीशन होता है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था, कई लोगों को चोट लग जाती है, तो गोटमार मेला छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। तो यहाँ पर हमने पूरा रिविजन भी कर लिया है, खत्म कर लिया है। चले तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज लास्ट में बता देता हूँ, तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे पास पूरा एमपी पॉलिटी प्री प्लस मेंस अपडेटेड अवेलेबल है, उसकी यूट्यूब पर भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं, एमपी इकोनॉमी अवेलेबल है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी पूरा प्री प्लस मेंस अवेलेबल है, यूनिट वन पूरा प्रीलिम्स अवेलेबल है। कोई भी कोर्स की आपको जानकारी चाहिए इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके कोर्स देख भी सकते हैं, वहां पर जो फ्री कॉन्टेंट है वो भी देख सकते हैं, कि सैंपल वीडियोज डली है, पीडीएफ डली, वो भी देख सकते हैं। चलिए तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको सीरीज कैसी लगी। ना चलो अब हम लोग अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।